देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पूर्व सीएम बीसी खंडूरी से मुलाकात की सतपाल महाराज ने। तो बीसी खंडूरी के आवास पर दोनों दिग्गजों की मुलाकात हुई है। शिष्टाचार भेंट के दौरान सियासी मसलों पर चर्चा हुई। तो महाराज खंडूरी की मुलाकात के निकाले जा रहे सियासी मायने, एक दौर में महाराज और खंडूरी कट्टर सियासी प्रतिद्वंदी थे, लेकिन जिस तरह से भी मुलाकात हुई है इसके सियासी मायने यहां पर निकाले जा रहे। तो एक दौर में महाराज और खंडूरी कट्टर विरोधी यहां पर हुआ करते थे, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एक जमाने में एक दूसरे के कट्टर सियासी प्रतिद्वंदी पंकज, और अब जिस तरह से मुलाकात दोनों के बीच हुई है सियासी मायने कई निकाले जा रहे हैं। शिष्टाचार मुलाकात कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि दोनों की मुलाकात जो हुई है वो भुवनचंद खंडूरी की स्वास्थ्य की पूछताछ के लिए मुलाकात ज्यादा कही जा सकती है। हालांकि सतपाल महाराज और भुवनचंद खंडूरी जब भी चुनाव लड़े तो बहुत तल्खियां इनके बीच में रही हैं, बहुत बातचीतें होती नहीं थी इनके बीच में, और अगर कहा जाए तो जितने दोनों ने चुनाव लड़े हैं उसमें ज्यादातर सतपाल महाराज को ही मुक्की खानी पड़ी थी। ऐसे में सतपाल महाराज का बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था भुवनचंद खंडूरी से, लेकिन अब जिस तरीके से वो शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं और जिस तरीके से दोनों के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संबंधों में कहीं ना कहीं प्रगाढ़ता आ रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध। हालांकि खंडूरी जो है वो सक्रिय राजनीति में आप इतने सक्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सतपाल महाराज उनसे मिलने जा रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा ही रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसमें अपनी जो राजनीतिक निहितार्थ निकाल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर सतपाल महाराज ने साफ तौर पर कहा कि ये उनकी केवल शिष्टाचार मुलाकात है, और वो केवल भुवनचंद खंडूरी से उनका स्वास्थ्य के बारे में पूछना है। चलिए पंकज, शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।